सब्सक्राइब कीजिए एफके टेक्निकल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर लेटेस्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेल आइकन इंट्रो कैसे बनाते हैं। बेल आइकन इंट्रो आजकल बहुत फेमस हो चुके हैं, इससे आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। इससे आपको सैम्पल इंट्रो जो आपका क्लासिक इंट्रो होता है ये काफ़ी हद तक उससे बहुत ही बेहतर है। सैम्पल इंट्रो में केवल आपका जो लोगो और यूट्यूब चैनल लिंक या फिर नाम होता है, लेकिन बेल आइकन इंट्रो में आप बताते हैं अपने व्यूअर को कि सब्सक्राइब और बेल आइकन से क्या फ़ायदा है। तो सिंपली वही इंट्रो में आज आपको बनाना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो इसके लिए आप अपना YouTube खोल लीजिए और YouTube खोलने के बाद अपने चैनल सर्च कीजिए और सिंपली ये सब आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। आप अपना चैनल सर्च कीजिए और उसे ओपन कीजिए, जैसे कि ये खुल गया है मेरा चैनल, इसे मैंने ओपन कर दिया है और आपको इसे सब्सक्राइब करते हुए दिखाना है। रिकॉर्डिंग आपको चालू कर देनी है, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर आप यूज़ कर सकती हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए आपको दिखाना है इस रिकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको अपना काइन मास्टर खोल लेना है और एक एमटी प्रोजेक्ट ले लेना है सिंपली। और एमटी प्रोजेक्ट लेने के बाद मीडिया ब्राउज़र में जाना है और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। एक टेम्पलेट है बेल आइकन इंट्रो का, ऐसे यहाँ लाने के बाद लेयर पर क्लिक कीजिए और लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया में जाइए। सिंपली मीडिया में जाने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ ले आइए, तो मैं यहाँ ले आया हूँ और अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट या कटिंग वगैरह इसकी कुछ भी कर सकते हैं और इसे एडजस्ट कर लीजिए अपनी स्क्रीन पर अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे यहाँ एडजस्ट कर ली है सिंपली। इसे एडजस्ट वगैरह करने के बाद सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद दोबारा आप नया प्रोजेक्ट लीजिए और ये सेव हो हुई अपनी वीडियो यहाँ पर लाइए मीडिया ब्राउज़र के थ्रू और सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको सीजर का निशान दिख रहा है, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सब्सक्राइब करते हुए पार्ट को बीच में कट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ कट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ कट कर लिया बीच वाले पार्ट को। जूम करते हुए आपको दिखाना है कुछ इस तरीके से, यहाँ जूम के ऑप्शन पर आपको आना होगा और यहाँ जूम करते हुए दिखाना होगा और इक्वल पिन क्लिक कर दीजिए और उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ये। तो सिंपली फिर इसके बाद लेयर पर जाइए, आप लेयर पर जाने के बाद मीडिया जाइए और इस ग्रीन स्क्रीन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, ये एक बेल आइकन के ग्रीन स्क्रीन है, क्रोमा की अनेबल कर दीजिए। सिंपली राइट पर क्लिक कीजिए, टिक कर दीजिए और इसे नीचे ले आइए, एडजस्ट कर लीजिए बस। सिंपली थोड़ा सा ये प्रोसेस है, बहुत ईजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप कि आपको ये बनाना आ गया होगा।